Thanks. अद्भुत अंतर की जगह
யாருக்கான சாதனை என்று தாதா சாமியும் நன்மை நன்மைவதா அந்த காரியத்தை तुम्हारे अंदर में सभी लोगों के अंदर में सभी व्यक्तियों के अंदर में बड़ा अद्भुत मार्ग है। अद्भुत काम कर दिया गया जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते जिस रास्ते पर चलकर वह प्रभु जिस प्रभु परमात्मा सम युग मांग से बिछड़े हुए हैं जिसके हम अंश हैं इस वाकांश जीव अविनाशी के कारण से काफी ऐसे हम बिछुल गए हैं जीव चमते हरते गिरकारियों कमते देह देह नहीं जाने जब से बुला इनसे अलग गए हैं अपनी देह को मान बैठे हैं मेरी देह है मेरा शरीर है अपने घर को मानते हैं संपत्ति को यही मेरा है तो परम पवित्र सुन रहे हैं इसी का सुख मान रहे हैं लेकिन इसके साथ अपन ऐसा नहीं हुआ कि हम एक पर की हालत पर रह पाए सुखी हालत पर रह पाए दिन रात भांति जैसे दिन के बाद रात होती है रात के बाद दिन होता है उसी पर से हमारे जीवन में सुखी का चक्र घूमता रहता है सबके जीवन में ऐसा होता है संत को यही आगे आगे आते हैं कि जब तक उसे परमात्मा से बिछड़े गए रहोगे तो आप इसी हालत में रहोगे कुछ कुछ का बहुत एक एक करके से दिन पुराने सकोगे करो क्या परम परमात्मा से मिलो मिलने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे शरीर में ही रास्ता है बड़ा अद्भुत रास्ता है लेकिन उसका भेद इस रास्ते का भेद बताने वाले गुरु होते हैं दिन दया संतन के नहीं जान मनाओ सदा को हुआ नहीं होता नहीं और होना है बिना संस्कृत संत सदगुरु के उस मार्ग को कोई नहीं जान सकता उस रास्ते पर चलने में कष्ट नहीं होता बाहर के रास्ते पर इस रास्ते से शरीर में रहने की अवधि समाप्त होने पर तब तो निकाला जाता है जब भी मार खाकर के निकालना पड़ता है उसमें तो बार बार पड़ता है इसी कारण कहा कि विश्वास से जो निकालना होता है इसको कहा कि आवागमन करते हैं बारम्बार शरीर में आना अशुभ शरीर में आना बारम्बार निकालना आवागमन है और इस आवागमन के दिल को कहा कि आवागमन समय दुख दुर्जा है नहीं निर्णय को इसे मन करके और कोई दुख नहीं है इस दुख को हम लोग साथ ही आए हैं लेकिन अपने अंदर जो भाग है उसमें चलने में कष्ट नहीं होता आगे चला तो हम कुछ बहुत महा है बहुत कष्ट उसकी उपमा बाहर में नहीं है कितना कष्ट कितना सुख मिलता है उसकी उपमा बाहर में नहीं है क्या मिलने से कष्ट इसमें दुख सुख होता है रास्ते पर अगर चलोगे ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा ब्रह्मनाथ परमात्मा की ध्वनि जो विमान से उनसे पिछड़े हुए हो उसको ध्वनि को सुनोगे क्या होगा समझ रहे सुना था ना घर सुन बाबा का अनुभूति तो देखने में आता है उस रास्ते पर चलने वाले को देखने में आता है सुनने में आता है अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है बाहर में वो सुख की उपमा नहीं दी जा सकती ऐसा सुख मिलता है और उस सुख वह सुख ऐसा है कि चुंबक की तरह शरीर में रहने वाला जीवात्मा को खींच कर परमात्मा के धाम में पहुंचा देता है परमात्मा में ही मिला देता है अंतिम में हम प्रभु प्रभु होंगे एक ही हो ही द्वंद्वित रहे नहीं कोई इस परम प्रभु परमात्मा से अभी पिछड़े हुए हैं उनमें जाकर वे ही हो जाते हैं उनसे अलग रहना नहीं होता सदा के लिए दुख काम हो जाता है ये ज्ञान लेने वाले संत महापुरुष होते हैं उस ज्ञान को लोग भूले हुए जाते हैं कब तक भूले रहेंगे
जो इस संसार में आते हैं सब दुख होता है। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए और जो भी थे आए सबको परमारे कहा हमको उबारने के लिए भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, जो भी आए सबको कठोगा लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, लोगों को अच्छा नमूना देने के लिए महापुरुष लोग आए, संत लोग आए, वे लोग हम सभी लोगों को बहुत प्यार प्रेम के साथ प्यार करें और उन्होंने चंदाजी महाराज ने कहा कि संत सभी वैसे होते हैं तो प्यार करते हैं और उनको दूर करते हैं, जानते हुए इनमें आगू है फिर भी उनको नहीं जानते, उनको नहीं अपने सेवन नहीं मरेंगे। हम लोगों का बहुत स्वभाव है ऐसे संत सभी की सर्व हम लोगों को मिली, उन्होंने हम लोगों को बताया कि संतान लिखने हो अपने सूर्य का बता रहे हो अपन देश के अपने अपने देश के सूर्य करो जहाँ से हम लोग आना हुआ जिस तरह पर मुसलमान ऋषि करके यहाँ संसार आ गए हैं तो उसकी सूची करो, वहाँ जाने के बाद में रास्ता नहीं है नहीं दिखाया पढ़ने नहीं आपन घर करता हूँ अपने शरीर की घर बढ़ के अंदर नील आया कर हमें भाव है आपन घर करते हैं कहीं निकालते हैं आप कुछ आप लोग की मांग में अपने धाम में जाने के रास्ता बना हुआ है उसी रास्ते से हम वहाँ काम करने के लिए देखिए दो दिन से बाबा को बहुत अधिक सुनाया होगा हम हमारे करने की कोई आवश्यकता नहीं आज आप बताए तो थोड़ा सस्ता हो जाए लेकिन कुछ तो पहले ही बाबा हुआ कर चुके हैं संध्या का घोषणा बहुत दूर करके गए हैं जाने करके आ रहे हैं जा रहे हैं और समाज में आप कुछ और कहेंगे तो साफ कर नहीं होगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा ये मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंटू बाबू इतना अधिक अत्यधिक आग्रह बहुत दिन आकर सब लोग आग्रह करके हमें पूरे समझा देता हूँ मेरे शरीर से बड़ा फर्क है कई तरह का फर्क रहेगा इसीलिए लाचारी है मैं स्वस्थ था और मैं जाता था और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण मैं नहीं जा पाता हूँ आपके यहाँ भी नहीं जाता। उन्होंने कहा कि थोड़ी ही देर के लिए रोड पर यहाँ बना हुआ है थोड़ी देर के जाकर कोई काम नहीं सका आना पड़ा आने पर मैं मेरे मन में नहीं पसंद आ गया बड़ा तूफान पड़ा उसे लोगों के दर्शन को पाकर मैं फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोग की शुभकामना करता हूँ गुरु महा से प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग का जीवन मंगलमय बना हमारे बोले जैसे श्री